अज़मी बिस्मिल स्टूडेंट कर लेते हैं आई सी टी फंडामेंटल्स चैप्टर वन हेलो किड्स वर्ल्ड कंप्यूटर फॉर क्लास एट और उसका टॉपिक हम कह रहे हैं टाइप्स ऑफ फिज़िकल गार्जेट कम्युनिकेशन मीडिया अब इसको टाइप ऑफ़ फिज़िकल गाइडेड कम्युनिकेशन क्यों बुलाया गया है बिकॉज इसमें वाईफाई इंटरनेट शामिल नहीं है इसमें आप जितनी भी दुनिया से कनेक्ट होते हो या इंटर कनेक्टेड होते हो विद इन द बिल्डिंग किसी एक बिल्डिंग में एक ऑफिस है ठीक है सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या बहुत सारी डिवाइस हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं तो उसके लिए हम तारों का इस्तेमाल करते हैं ठीक है क्योंकि यहाँ वाई कनेक्शन नहीं होता और वाई के लिए आपको पता है कि वो वायरलेस होता है ठीक है उसमें वायर का इस्तेमाल नहीं होता लेकिन यहाँ क्योंकि फिज़िकल कनेक्शन है और फिज़िकली गाइडेड है गाइडेड इस तरह कि हमें पता है कि ये वाली तार इतनी चाहिए और ये इस कंप्यूटर के साथ लगेगी इसके आगे से ये इसके साथ जुड़ेगा ये डिवाइस जो है जाके मेन हब में जुड़ेगी ठीक है तो इसलिए हम उसको बाकायदा गाइड करते हैं लेकिन वाईफाई में क्या होता है आप कहीं भी बैठे हों अपने कमरे में या अपने बिल्डिंग से बाहर अगर उसकी रेंज है वाई की तो आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट एनी वायर तो चले आप इसकी रीडिंग कर लेते हैं फर्स्ट है ट्विस्ट ट्विस्टेड पेयर यह टाइप है पहली वायर की जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं या मीडिया की ट्विस्टेड पेयर इज़ द ऑर्डनरी कॉपर वायर दैट इज़ यूज फॉर टेलीफोन कम्युनिकेशन एंड मोस्ट मॉडर्न इंटरनेट नेटवर्क्स। अब यहाँ पर जो हम पहली तार के बारे में पढ़ेंगे वो है ट्विस्टेड पेयर और ट्विस्टेड पेयर एक आम सी तांबे की बनी हुई तार होती है जो कि ज़्यादातर टेलीफोन कम्युनिकेशन के सबको पता है टेलीफ़ोन की तार किस तरह की होती है जब आप उसको छीलते हैं ऊपर से उसका कवर उतारते हैं तो अंदर से दो आपको नज़र आती हैं तांबे की तारें ठीक है थीके? या फिर इथरनेट की तार होती है जो कि आपको यहाँ साइड पर नज़र आ रही है टेलीफोन की तार तो आम एक ही तरह की चलती है ब्लैक वाली ठीक है जबकि इथरनेट के लिए हम मजीद दो टाइप की तारें इस्तेमाल करते हैं ठीक है और वो अभी हम आगे बढ़ लेते हैं और इंटरनेट ऐसे लोकल नेटवर्क को बुलाया जाता है जो या तो विद इन द बिल्डिंग आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दो और मैसेजिंग कर दो एक दूसरे को मैसेजेस भेज सकते हो ठीक है या फिर आप जो इसको लैन बुलाते हैं बाहर से आप लेते हो ना पी की जो आपके आती है घर के अंदर डी की तार तो उसके जरिए आप इंटरनेट घर में चलाते हो ठीक है तो इसको हम इंटरनेट बुलाते हैं अब पेयर फॉर्म अ सर्किट दैट कैन ट्रांसमिट डाटा अब यही पेयर जो ट्विस्टेड पेयर की तार है ये एक सर्किट बना देती है पीछे से इंटरनेट लाती है आपको देती है आप आपका मैसेज आगे जहां तक आपने भिजवाना होता वहां है वहां भेजती है ठीक है तो ये एक साइकिल सा बन जाता है एक सर्किट सा बन जाता है ठीक है और उसमें क्या होता है कि आपका डाटा ट्रांसमिट हो जाता है जो भी आपने डाटा कहीं भी भेजना है कोई भी इंफॉर्मेशन है पिक्चर्स हैं वीडियोस हैं कोई टेक्स्ट है कोई पीडीएफ फाइल्स हैं वर्ड फाइल्स हैं सब कुछ देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर अब ट्विस्टेड पेयर की आगे दो टाइप्स हैं और ये याद रखिएगा कि ये इथरनेट की तारों के ट्विस्टेड पेयर हैं ठीक है और जो दो तरह के हैं एक ट्विस्टेड पेयर जो है वो तो हम सादा टेलीफोन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी टेलीफोन की काली तार और इथरनेट की मज़ीद आगे दो आ, किस्में हैं जिनमें यू टी पी और एस टी पी आता है यानी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और इनकी पहचान बहुत ही आसान है अनशिल्डेड में आप देख रहे हैं ऊपर वाले को इसमें कोई यूज़ नहीं ग्लव्स नहीं पहने में ठीक है बस सिर्फ कलरफुल उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है वो भी इसलिए कि वो आपस में जुड़ ना जाए और आपस में जो है ना सर्किट खराब नहीं हो या आ, कोई मसला ना बने ठीक है ना सितारों को सेपरेट रखने के लिए कलरफुल उन्होंने वो चढ़ाया हुआ क्योंकि एक जो होती है हर कलर जो होता है ना वो किसी न किसी चीज़ को जाहिर करने के लिए होता तो है कोई ऑडियो का होता है कोई वीडियो का होता है कोई और तरह की जो है ना इसमें और वगैरह के लिए होता है बस इसके ऊपर एक काली ये पट्टी चढ़ी होती है या इसका कवर चढ़ा होता है दैट सेट और ये नीचे वाला जो है आप देख रहे हैं कि प्रॉपर हर वायर का उन्होंने एक अलग से कवरिंग की हुई और फिर उसके ऊपर भी एक मजीद कवर चढ़ाया हुआ है को कोएक्सिल के बारे में पढ़ लेते हैं और को एक्सल को कौन नहीं जानता ये वही टिपिकल तार है जो हर किसी के घर में एक इलेक्ट्रिकल केबल की तरह लगी हुई है बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट भी इसमें चल रहा होता है ठीक है क्योंकि इसमें कंडक्ट टाइम्स लगे हुए होते हैं और इंसुलेटिंग होती लेयर होती है और ये टीवी वाली हमारी केबल की जो तार है ना ये वो है को एक्सियल केबल इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल दैट कंसिस्ट ऑफ एन इनर कंडक्टर सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग लेयर सराउंडेड बाय कंडक्टिव कंडिव शील्डिंग द अब आप देख रहे हो कि तीन चीज़ें हैं जो इसको एक दूसरे को uh, के ऊपर चढ़ी हुई है सबसे पहले आपके पास इनर कंडक्टर आ जाता है जो तांबे की तार है फिर इंसुलेटिंग आ जाती है प्लास्टिक की होती है फिर आपके पास कंडक्टाइन शील्ड आ जाती है या कंडक्टिव शील्डिंग उसको बुलाते हैं इसके अलावा भी आउटसाइड इंसुलेटर भी इसके ऊपर लगा होता है तकरीबन तो चार चीज़ें एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ी हुई जैसे बंदा सर्दियों में एक के ऊपर एक कपड़े नहीं पहनता तो सेम इसका भी वही हाल है the design of the coaxial cable allows data transmission quickly without interference or damage from external factors. अब ये क्यों कितनी मजबूत होती है इतनी कवर हुई हुई होती है इतने इंसुलेटर्स इसके ऊपर डले होते हैं कि मौसमी हालात और गर्मी या सर्दी इस पर असर नहीं करती और कोई भी डाटा जो है ना बड़ी तेज़ी के साथ ट्रांसमिट हो जाता है सेफ तरीके से होता है कोई इंटरफ्रेंस नहीं आता उसमें कोई खराबी नहीं आती कोई डैमेज नहीं होता किसी किस्म के एक्सटर्नल फैक्टर्स से उसको खराबी नहीं होती ठीक है को एक्शियल केबल्स आर ऑल्सो रेफर टू एज अब इसके अलावा जब हमने कोई बहुत रेडियो वेव पकड़नी होती है आपको पता पुराने घरों में पुराने वक्तों में रेडियो होते थे तो उसमें तो कोई तार नहीं ना लगती थी वो तो बस इलेक्ट्रिक तार लगती थी और वो ऑन हो जाता था उसमें वो चैनल्स चलते कैसे थे जिसको हम फ्रीक्वेंसी से गोल ये बटन डॉको नजर आ रहे इसको घुमाते थे तो अलग अलग, अलग चैनल्स सुनाई देते दे थे हमें अलग अलग स्टेशन की आवाज़ आती थी कोई वन और वन तो मैं ख़ुद भी सुनती रही हूँ आज भी हमारी गाड़ियों के अंदर जो चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं ये केबल में एक बड़ी काम वाली बात यह है कि ये खींचती है रेडियो सिग्नल्स को जो कि वायरलेस होते हैं सही है तो ये उनको भी Uh, किसी भी किस्म का डाटा किसी, भी uh, किसी हमने एंटीना के साथ अगर इसको लगाया है तो हम किसी भी रेडियो सिग्नल को कैच कर सकते हैं इसकी मदद से इसके अलावा uh, इंटरनेट कनेक्शनस uh, जो हैं वो भी हम इसके थ्रू लगाते हैं फिर डिजिटल ऑडियो और uh, केबल टेलीविजन सिग्नल जो हैं वो भी तो आपको मैंने पहले बता दिया था कि हमारे घर में जो केबल्स लगी हुई हैं उनके साथ यही वाली हैं uh, तारें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत अच्छी है बहुत uh, um, जो है ना ड्यूरेबल है और सेफ है पहले बात कर लेते हैं अब लास्ट फिजिकल और गार्डन मीडिया का दैट इज़ फाइबर ऑप्टिक्स जो कि हमारे टेलीफोन की तारें हैं जो कि अंडरग्राउंड बिछी होती हैं और इसके अलावा इससे हम टेली के साथ साथ इंटरनेट जो है ना बहुत हाई स्पीड इंटरनेट हम इसके ज़रिए इस्तेमाल करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल अ नेटवर्क केबल दैट कंटेन्स ट्रांस ऑफ ग्लास फाइबर इनसाइड एन इंसुलेटेड केसिंग अब इससे वो आपको कह रहे हैं कि ये जो आपको शीशा नुमा तारें निकलती नजर आ रही है ना बाकी सब में तो हमने देखा था ना अंदर जो मेन तार थी वो तांबे की बनी हुई थी लेकिन ये जो है इसको ग्लास फाइबर इसलिए बताया है कि शीशे की तारें लगती हैं ये होता ही है वैसे फाइबर है लेकिन नायलॉन फाइबर टाइप अच्छी हाई क्वालिटी का क्योंकि कंडक्टर्स होते हैं ना सिलीकॉन वगैरह और ये जितने फाइबर्स होते हैं ये कंडक्टर्स होते हैं वेरी गुड तो इसको इंसुलेटर दिए होते हैं बाहर रंग बिरंगे आपको ये कवर नजर आ रहे हैं ये इंसुलेटर्स हैं इनके जैसे हम स्वेटर पहनते हैं ठंड से बचने के लिए इसलिए इन डेलिकेट तारों को बचाने के लिए क्योंकि ये ग्लास कोर होती हैं बहुत नाजुक होती हैं तो इनके ऊपर ये कलरल uh, कलर जो हैं वो चढ़े होते हैं आ, हमारे पास इंसुलेटर्स uh, और इनको केसिंग बुलाया जाता है इंसुलेटेड केसिंग में मौजूद है और स्टैंड बुलाते हैं इन डंडियों को जो शीशे की शीशे नुमा आपको बाहर नजर आ रही हैं अब ये काम क्या करती हैं ऑप्टिक फाइबर काम किस चीज़ के आते हैं फाइबर ऑप्टिक किसके काम आता है दे आर डिज़ाइन फॉर टेली कम्युनिकेशन डेट कवर्ड लॉन्ग डिस्टेंस विद हाई परफॉर्मेंस एंड स्पीड डाटा ट्रांसमिशन रेट रेटा समुद्रों के अंदर और सहराओं के अंदर और बड़े बड़े इलाकों के अंदर ये इन्होंने बिछाई हुई है ये एक दफा अगर ये कोलेप्स की थी पीछे तो हमारा कंप्लीट इंटरनेट पूरी दुनिया का बंद हो गया था फिर उसको ठीक किया गया कहीं से वो डैमेज हो गई थी तो फिर अंदर उनको अंडर वाटर जो है ना ओशंस के अंदर से जो इनकी तारें बिछी हुई हैं उनको ठीक किया गया तो दोबारा से हमारा इंटरनेट बहाल हुआ था तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स कैरी कम्युनिकेशन सिग्नल्स यूजिंग पल्सेस ऑफ लाइट जनरेटेड बाय स्मॉल लेजर और लाइट इमिटिंग डिओड्स एल अब मैं आपको बताऊं कि इसके बिल्कुल टिप के ऊपर जो है ना आप देखेंगे कि छोटी छोटी आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं तो अगर आप एक्चुअल में इसमें से डाटा ट्रांसफ़र होता हुआ देख लें तो आपको बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा जैसा कि मैंने आपको ये पिक्चर में दिखा रही हूँ ये एनिमेटेड पिक्चर है जिसमें एक छोटे छोटे डॉट्स एल के हैं जो कि आगे की तरफ भाग रहे हैं इसलिए वजह से बहुत फास्ट मूविंग कार्स हैं तो ये वजह ही यही है कि इसीलिए इनको ऑप्टिकल फाइबर्स बुलाया जाता है फाइबर ऑप्टिक्स बुलाया जाता है ताकि इसमें से डाटा जो है ना वो बहुत बहुत तेजी को एक्जिल से भी ज़्यादा उस वायर से भी ज़्यादा इसमें तेजी से डाटा जो है ना ट्रांसफ़र होता है और कई मीलों दूर बैठकर जो हम एक दूसरे से इंटरनेट शेयर कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं दैट कुड बी पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स तो आप ये इमिटिंग लाइट्स जो हैं इनको लाइट इमिटिंग या डिट्स बुलाते हैं जिनको एल ई बुलाया जाता है ठीक है वो आपको नजर आ रही हैं बहुत स्मॉल लेजर्स टाइप होती हैं और ये जब ऑप्टिकल फाइबर्स चल द, द, काम कर रही होती है तो इसमें से लगता है सितारे भाग रहे हैं इसके अंदर तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको पेज अलेवन की अच्छे से आई आयोग्य अपना खूब ख्याल रखेगा थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह के पान